देश में जो इस बार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले परिणाम नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो सबके सामने है। एनडीए ने 292 सीटें जीत ली है, वहीं इंडिया ने 234 सीटों पर आकर सबको हैरान कर दिया है। अब चुनाव परिणाम तो आ गए हैं, लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि सरकार अब किसकी बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार 240 सीटें ही जीती है। एक तरफ देखा जाए तो दोनों ही अलायंस सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बात करें एनडीए की तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं, इनमें टीडीपी की भी हिस्सेदारी 16 है। अगर टीडीपी इंडी अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा और एनडीए की सरकार बन जाएगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि एनडीए में टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें हैं। देखा जाए तो अगर एनडीए के कुल 292 सीटों में से टीडीपी और जेडीयू की सीटें माइनस कर दे तो आंकड़ा 264 पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम, और ऐसे में एनडीए सरकार बनना नामुमकिन है। लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी है, और वो इसलिए क्योंकि भारत के राष्ट्रपति परंपरा के मुताबिक सबसे बड़े अलायंस या सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। इस चुनाव में 292 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है और 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल है। अगर एनडीए के साथ कुछ साथी अगर साथ छोड़ देते हैं और इंडिया अलायंस बहुमत का दावा करता है तो भी राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीजेपी को बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। खैर, यह स्थिति भी जल्द ही सबके सामने साफ हो जाएगी। वहीं अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन ने आज शाम एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर होगी। इस मीटिंग के अलावा कांग्रेस पार्टी की भी एक अलग मीटिंग होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली बैठक में क्या रुख अपनाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को नतीजों के बाद कहा था कि हम आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही बताएंगे। अगर पूरी स्ट्रेटजी अभी बता दी तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा था कि विपक्ष में बैठने या सरकार बनाने का फैसला मीटिंग में होगा। नतीजों के मुताबिक गठबंधन को कुल 204 सीटें मिली है, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। बहुमत के लिए गठबंधन को मौजूदा सीट शेयरिंग के बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। गठबंधन को ममता बनर्जी की टीएमसी के 29 सांसदों के अलावा टीडीपी और जेडीयू के समर्थन की भी आवश्यकता होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पार्टियों को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं, इस पर भी आज की मीटिंग में चर्चा होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस अहम बैठक में क्या फैसला सामने आने वाला है और इंडिया गठबंधन अपनी आगे की रणनीति कैसे तय करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।